हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो रेफर किया होगा तो उस वीडियो में हम लोग ने फीडबैक के बारे में और फीड फॉरवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कि ये कैसे वर्क करता है और उसका एक्चुअल डेरिवेशन देखा था कि ये कैसे वर्क करेगा और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुँचाएगा। अब इसको डीप में हम लोग समझेंगे, पहले फीडबैक कंट्रोल समझेंगे फिर फीड फॉरवर्ड समझेंगे, क्योंकि फीडबैक समझ में आया तभी आप फीड फॉरवर्ड का इम्पॉर्टेंट जान पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीडबैक का। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं रेफ़र किया है तो आप रेफ़र करो, उससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा और फिर ये वीडियो समझने में आसानी होगी। छोटा छोटा वीडियो है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको थोड़ा बोर भी नहीं होगा और आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फीडबैक कंट्रोल। तो नाम से ही पता चल रहा है फीडबैक देना है आपको, इवेंट हो जाएगा, आपको फीडबैक देना है, उसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहला, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एज ए डिटेक्टिव टूल। डिटेक्टिव टूल, डिटेक्ट करना मतलब कोई भी, अभी आपने देखा होगा मूवीज होती है, डिटेक्टिव होते हैं जो देखते कौन क्रिमिनल था, राइट? तो वो आफ्टर द इवेंट होता है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसके बाद डिटेक्टिव आता है और उसको डिटेक्ट करता है। तो इसलिए जो फीडबैक सिस्टम है ये डिटेक्टिव टूल है, इवेंट होने के बाद इसका पता चलता है, फीडबैक देना पड़ता है। जैसे लेक्चर हुआ, फिर आपसे पूछा जाएगा लेक्चर कैसा लगा, आप बताओ, तो बगैर लेक्चर लिए आप फीडबैक दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं आफ्टर द इवेंट डिटेक्टिव टूल है ये। क्या है? डिटेक्टिव टूल। सेकेंड देखो, इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ करेक्टिव टूल। करेक्टिव टूल है, एक तो पहले डिटेक्ट करता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये डिटेक्ट करेगा। फिर अगर अच्छाई है तो ठीक है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ खराबी है तो उसको हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव। तो आपसे मैंने लेक्चर लिया, अब मैं आपसे फीडबैक मांग रहा हूँ कि भाई लेक्चर कैसा लगा, आपने बोला सर अच्छा लगा, कोई बोलता सर समझ में नहीं आया, ये चेंजेस करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं अपने वीडियो में ये चेंजेस लाऊंगा, अपने वीडियो में ये करेक्शन लाऊंगा। इसीलिए जो फीडबैक सिस्टम होता है वो करेक्टिव टूल भी उसको कहा जाता है, उसको रेफर किया जाता है। तो ये पहले तो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसको करेक्टिव टूल कहा जाता है, क्योंकि डिटेक्ट नहीं होगा तो करेक्ट कैसे होगा। आई बात समझ में? यस और नो? अब देखो इसका डेरिवेशन देखो, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, इट रिएक्ट्स आफ्टर द इवेंट। रिएक्ट करता है आफ्टर द इवेंट, इवेंट हो गया तब हम लोग को फीडबैक देना पड़ता है। तो कैसे रिएक्ट करता है, हाउ इट इज रिएक्टिंग, कैसे रिएक्ट करता है? तो ये रिएक्ट इस तरीके से करता है कि कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड रिजल्ट से और आइडेंटिफाई करता है एरर को, क्योंकि तभी पता चलेगा ना, इवेंट हो गया तो पहले हम लोग ने इवेंट क्या डिसाइड किया था, हम लोग ऐसा ऐसा इवेंट में एक्टिविटी करेंगे। आप समझो पिकनिक जा रहे, तो पिकनिक पे आपने डिसाइड किया पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टिकट्स यहाँ से बुक करेंगे, फिर हम लोग फ्लाइट से जाएंगे या बाय रोड जाएंगे, बाय ट्रेन, ये सब आपने बजट बनाया था, लेकिन एक्चुअल में जब हुआ तो उसका रिजल्ट ही कुछ आया। तो आप एक्चुअल को कंपेयर करोगे अपने बजट से और फिर आइडेंटिफाई करोगे कि एरर क्या है उसमें, क्या आप डिफरेंस आ रहा है। इसी आइडेंटिफाई का मतलब होता है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करोगे ना, जब आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर करोगे तो आप डिटेक्ट करोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक बार डिटेक्शन हुआ, इसको डिटेक्टिव टूल कहते हैं। आई बात समझ में? तो डिटेक्टिव टूल कैसे बना? पहले तो ये इवेंट के बाद होता है, इवेंट के बाद कैसे होता है, इवेंट के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो? तो एक्चुअल को आप बजट से कंपेयर करते हो तभी तो रिएक्ट करोगे ना, और आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इज एरर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटेक्टिव टूल। अब डिटेक्ट हो चुका है कि भाई आपके अंदर ये एरर है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर ये एरर है और आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो आफ्टर डिटेक्शन फीडबैक कंट्रोल गिव रिस्पॉन्स और रिएक्ट टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। अब आपने डिटेक्ट कर लिया ना कि ये एरर है, अब वो एरर को लेके बैठ जाओगे क्या? नहीं, आप उस पर रिएक्ट करोगे, आप उस पर एक्शन लोगे, आप उस पर डिसीजन लोगे कि करना क्या है। तो डिटेक्शन के बाद ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, जिससे हम लोग को जो आउटपुट चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट, वो हम लोग को मिल जाता है। तो फीडबैक दिया मैंने, लेक्चर दिया, लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिटेक्शन हुआ,
आपने फीडबैक दिया, डिटेक्ट हुआ, अब डिटेक्ट के ऊपर मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा, वो वीडियो को और अच्छे से मॉडिफाई करूंगा, एडिट करूंगा और फिर आपको दूंगा। तो आफ्टर डिटेक्शन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्स रिएक्ट करता है और डिजायर आउटपुट जनरेट करता है। एक बार डिजायर आउटपुट जनरेट हुआ, राइट, डिजायर्ड आउटपुट आपको जनरेट करना है, तो ये जो आपने एरर को करेक्ट किया है इसको ध्यान में रखते हुए एंश्योर करना कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना है। आई बात समझ में? एक बार आपने मेरे को फीडबैक दे दिया कि हाँ भाई सर आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें वर्कआउट करूंगा, वर्कआउट करने के बाद उस पर रिएक्ट करूंगा, रिएक्ट करने से जो मुझे डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा। अब इसको, ये जो रिएक्शन मैंने किया है इसको संभाल के रखूंगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना है और फ्यूचर में मेरा रिजल्ट प्रॉपर आए। तो फीडबैक कंट्रोल करेक्ट द एरर, एरर को यहाँ पे हम लोग ने करेक्ट किया और एंश्योर करेंगे कि ये एरर फ्यूचर में ना हो और अपना रिजल्ट एज पर बजट है, इसीलिए इसको कहा जाता है करेक्टिव टूल। अब समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि ये डिटेक्टिव टूल होता है, करेक्टिव टूल होता है, फिर हम लोग ने इसका डेरिवेशन देखा कि ये डिटेक्टिव से करेक्टिव कैसे बना। आई बात समझ में? तो एकदम छोटा सा वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो में क्या है ज़्यादा समझ में आता है, तो आप इसको गो थ्रू करिए और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, जिसकी वजह से हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाएंगे इसमें प्रॉब्लम, अगर आपने फीडबैक दिया, और उस हिसाब से फिर इसको करेक्ट कर पाएंगे वीडियो को, ठीक है। बाय द टाइम गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।